सरकार अपने सूबे के खिलाड़ियों का भव्य मान सम्मान कर रही है। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देने के साथ सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी कर चुकी है। ये कहना है प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज का। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति की चर्चा आज पूरे देश क्या विश्व में हो रही है। उन्होंने एथलीट अर्पित सिंह की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि सारे देश में हरियाणा की खेल नीति सबसे बेहतर है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जहां महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश सिर्फ 50 लाख रुपए देते हैं, वहीं हरियाणा सरकार इन्हें 3 करोड़ रुपए और HPS की नौकरी भी देती है। देश में हरियाणा की जो खेल नीति है वो सबसे बेहतर है। अब एशियड में गोल्ड मेडल आने पर महाराष्ट्र 50 लाख देता है, यूपी 50 लाख देता है, हम 3 करोड़ रुपए देते हैं और साथ में HPS या SCS की नौकरी देते हैं, तो इससे बेहतर तो सारे हिंदुस्तान में नहीं, शायद सारे विश्व में ना हो। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति से प्रभावित होकर बहुत सारे अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी हरियाणा से खेलने की मंशा जता रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो दूसरे प्रदेशों में खेलते हैं वो हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं, वो हरियाणा के खिलाड़ी बनकर खेलना चाहते हैं। और अरपिंदर उसी का ही उदाहरण है, उसने कहा कि पंजाब सरकार तो प्रोत्साहित नहीं करती है, इसलिए मैं हरियाणा से खेला हूँ। देखिए, ये दूसरे इवेंट्स में, एथलेटिक्स में, स्विमिंग में, शूटिंग में, इनमें इस बार मेडल आ रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी अब दूसरी जो इवेंट्स हैं उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं।